अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा शहर में आज जितना परेशान लोग टोरंट पावर की मनमानी से हैं, शायद ही इतना परेशान वो कभी किसी समस्या को लेकर हुए होंगे। शहर के लोग दिन रात मुमरा में टोरंट लाने वालों को बद्दुआ दे रहे हैं, क्योंकि उसकी मनमानी से लोग अब तंग आ चुके हैं। अब उसी टोरंट पावर की मनमानी के खिलाफ मुस्लिम लीग की पदाधिकारी व मुमरा की चर्चित नेत्री फरहत शेख कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। फरहत शेख शुरुआत से ही मुमरा टोरंट पावर के मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, जो अब तक जारी है। कल इसी लड़ाई को लेकर फरहत शेख से बात हुई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है मुमरा की बेटी फरहत शेख, मुस्लिम लीग पार्टी से। आज क्या मुद्दा लेके आए हैं, कलवा में इस वक्त हम लोग मौजूद है। फरहत शेख, क्या बताएंगे आज मुमरा की जनता को, और क्या है आपके हाथ में नोटिस वगैरह, क्या डिक्लेयर है जनता के लिए, आप क्या संदेश देंगे और किस तरह से आज का ये आपने मुद्दा लेके अपने हाथों में खड़ी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो मैं अपने हाथों में लेके खड़ी हूँ, वो मुमरा के लोगों का भरोसा है, मुमरा के लोगों की उम्मीद है हमारे हाथों में। आज मुमरा के लोगों ने जिस तरीके से उम्मीद की थी मुस्लिम लीग से, आज वो उम्मीदों को हम लेकर खड़े हैं यहाँ पर। कल जिस तरीके से सितंबर के मंथ में MERC में, यानी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में, हमने टोरेंट के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दाखिल की थी, जबरन मीटर का जो लोगों ने वहाँ पर अभियान चलाया था, तो हम लोगों ने उनके ऊपर केस किया था, यानी हमने पिटिशन फाइल की थी MERC में। और कल उनकी तरफ से हमको नोटिस आया है कि आपका जो है वो पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है, आप जो है इसकी कॉपी जमा कीजिए। तो ये नोटिस जो है, ये नोटिस टोरेंट पावर को भी गई है, MSEDCL को भी गई है। अब सुबह में हमको ये नोटिस मिलती है, बिना वक्त ज़ाया करते हुए हमारे जो मुस्लिम लीग के जो थाना जिला अध्यक्ष अमीन साहब, उन्होंने, और हमारे एडवोकेट अमीर शेख, उन लोगों ने बिना वक्त ज़ाया करते हुए सारी कॉपीज जो है कल MSEDCL में और MERC में जमा किए। आज जो ये रही उसकी कॉपी, ये पूरी हम लोगों ने यहाँ पर जमा की है। अभी टोरेंट पावर में भी जो है, आज हम लोग ये कॉपी देने के लिए आए थे, ये नोटिस हम यहाँ पर देने आए थे कि जो कंप्लेंट, जो केस जो हमने उनके ऊपर दाखिल किया था, उसको अप्रूव हो गया है। इसका नंबर हमको मिला है 3203/2022। तो ये हमको उसका केस नंबर भी जो है वो MERC की तरफ से मिल चुका है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो लड़ाई है, यानी मुमरा के लोगों की लड़ाई जो वर्सेस टोरेंट और NCP, मैं बोलूँगी कि इन लोगों की वर्सेस जो है हमारी जो लड़ाई है मुमरा के लोगों की, उसकी हियरिंग बहुत ही जल्द अगले महीने में दिसंबर में शायद इसकी हियरिंग भी अभी होने वाली है। तो ये ओवरऑल हम ये लेकर जो है आज टोरेंट पावर आए थे, और इनको हमने वो लीगल नोटिस जो है वो दे चुके। वो लोगों ने क्या जवाब में कुछ बातें या फिर पेपर वर्क पे? नोटिस में ऐसा है कि ये नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पर जो इनके ऊपर जो कंप्लेंट की है, उन सब कंप्लेंट की जो है ना, उन लोगों ने इन लोगों को टाइम दिया है कि आप विदिन 15 डेज जो है इसका रिप्लाई दीजिए, और उसके बाद जो है हमारी फर्स्ट हियरिंग होने वाली है। तब इंटरेस्टिंग बात होगी, तब दिलचस्प लेने वाली बात ये होगी कि तब वो लोग क्या जवाब देते हैं और किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमने जो दिया है वहाँ पर, हमने कानून के हिसाब से दिया है, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या बोलती है उसके ऊपर, हमने उसके ऊपर कहा है, और MERC का क्या रेगुलेशन है उसके ऊपर, हमने वो सारी चीज़ों को उसके मद्देनजर रखते हुए, और जो नोटिस टोरेंट की तरफ से आई थी, जो नोटिस मुमरा के लोगों ने टोरेंट को दिया था, वो सारी चीज़ों को हम लोग ने एक बंच बनाकर जो है अग्रीमेंट के साथ एवरीथिंग हमने इसके अंदर अटैच किया है, ये सारी चीज़ें हमने उसके। अब देखने वाली बात ये है कि ये लोग हमारा क्या रिप्लाई देते हैं, और उसमें इंशाल्लाह फर्स्ट हियरिंग का इसका खुलासा होगा। अभी जो ऑफिसर मिला था उसका कुछ नाम जिससे आपने मुलाकात की? अभी सिर्फ हमने नोटिस दिया, क्योंकि यहाँ का लीगल डिपार्टमेंट की जो हेड है वो जहीर सैयद है, शायद वही जो है वो संभालेंगे केस। आने वाले समय में 2024 इलेक्शन आपके सामने, तो कौन से मुद्दे पे मुस्लिम लीग जीतना चाहेगी? 2024 तो बहुत दूर की बात है, 2023 में शायद से अगर इलेक्शन, जैसे बोला जा रहा है कि कॉरपोरेशन के चुनाव आने वाले हैं, मुद्दे तो बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से शायद मैंने पहले भी आपकी वीडियो में और बाकी लोगों को बताया है कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है रहेगा हर बार, जो है वो नशा, एजुकेशन, टोरेंट, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग, हमारी जो है वो पहली प्रायोरिटी रहेगी सर।
अगर जीत के आती है मुस्लिम लीग तो किस तरह से मतलब विरोधियों के पसीने छोड़ेगी? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है कि आज भी अगर हम लोग चाहे वो फिर जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर है उनके खिलाफ अगर केस किया है, चाहे उसकी बात हो, चाहे टोरेंट की बात हो, चाहे किसी के बैनर बस स्टॉप से निकलवाने की बात हो या कोई और बात हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग वालों ने जो है वो सामने वालों के पसीने तो छुड़वा दिए। कानून को लेकर आप लोग ने कानून को ही सामने रख के और सबने उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। कानून ही एक हमारा संविधान, कानून बनता ही इसीलिए शहर और समाज की फिक्र हो, कानून के जरिए से हो। आपके पास मतलब लीगल टीम ज़्यादा स्ट्रांग है और उस हिसाब से ये मतलब किस मोड़ पर जाएगी, इसका एंड कहाँ पर होगा, किस तरह से और भी मुद्दों को जोड़कर एक ऐसा दिन होगा यस आज मैं फरज शेख मुकम्मल हो गई मुमरा शहर में? देखिए सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करूँगी हमारे एडवोकेट आमिर शेख इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि ये दिन रात हर एक्ट को इतना खोल खोल के पढ़ते हैं। और हम लोगों को लीगल जो एडवाइज़र है हमारे आमिर शेख, इनका मैं तहे दिल से कुछ शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि आज जो मुस्लिम लीग जो अपने लीगल कामों से इतनी अच्छी पहचानी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अपनी पढ़ाई का इस तरीके से इतना अच्छा इस्तेमाल किया है। और मैं चाहती हूँ कि अगर मुमरा का हर पढ़ा लिखा बच्चा इसी तरीके से अपनी अपनी फील्ड में अगर आता है और उसका इसी तरीके से सही इस्तेमाल, लीगल तरीके से इस्तेमाल, सही जो कानून का बताया हुआ तरीका अगर इस्तेमाल कर